नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर माणा मंडी में है और आज 19 जुलाई 2024 हो चुका है। प्याज में क्या अपडेट देखने को मिल रहा है, कितनी गाड़ियां रही आज, ग्राहकी कैसी चली, माल कहां कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है और आगे डिस्कस करेंगे कि आगे क्या संभावना रह सकती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। कैसे हो सर? बढ़िया है यादव जी, आप बताओ। बहुत बढ़िया बढ़िया। तो सर आज प्याज में क्या माहौल बना, कितनी आवक रही, कहां कहां से गाड़ियां देखने को मिली हैं? प्याज का बाजार से पोजीशन चल रही है लेकिन बिक्री आज गर्मी ज्यादा हो गया, सुबह सुबह ग्राहकी ने एक पिकअप बेची है, देखो देसी माल की। बिल्कुल, ये बिके 27 रुपए किलो सामने वाली पिकअप। हाँ 27 रुपए बेची है देसी माल, आया ये वाला माल। हाँ 27 रुपए बिकी है। बहुत बढ़िया माल, बढ़िया क्वालिटी का। हाँ माल ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कुचामन आई हुई है, ये नासिक आई हुई है, क्वालिटी देख सकते हैं। ये गुल्टा गुल्टी गुल्टी हर तरह का माल है। तो ये क्या बिका है सर? ये 21 घंटे बचे हैं भैया, इसके ये 25 रुपए बता रहे हैं। ये 25 रुपए मथानिया है ना? नहीं कुचामन, कुचामन कुचामन है 25 रुपए। ये गुल्टा है, गुल्टा गुल्टा गुल्टी मिक्स है सब। और ये माल कहाँ का है? नासिक का जी। नासिक का क्या बाजार रहा सर इसका? बता रहे 34-33 बता रहे, देखो कहाँ बिकते हैं। 32-33 रुपए के आसपास देख सकते हैं माल, बहुत बढ़िया। और ये वाला सर? ये 30 बता रहे हैं, यही बिकेगी 27-28। नासिक है ये भी? नासिक, बहुत बढ़िया। ये सिंगल पत्ती में हल्का माल है। अच्छा जी बिल्कुल। और ये भी नासिक की? ये 32 रुपए किलो। ये 32 रुपए का बाजार है, माल बहुत बढ़िया शानदार है देख सकते हैं। और ये थोड़ा चोपड़ा वगैरह है, जोड़ वगैरह नहीं है, जोड़ है, जोड़ ज्यादा देखने को मिले। तो इसका क्या बाजार रहा? 20 रुपए किलो। ये 22 या 20 ही बिकेगा, 22 बता रहे हैं, 20 तक तो बिकना चाहिए। बिल्कुल। और ये वाला प्याज? ये वही है जो आपने असल दिखाया था, ये वाला पहले वाला। हाँ जो उधर आपने दिखाया था 33-34 रुपए के आसपास। 30 रुपए किलो भैया। मार्केट में प्याज बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है नासिक वाला। और सर ये वाला कहाँ का है? ये MP 10 कट्टे बेटा। ये वाला कहाँ का है सर? ये MP का है भाई सर। क्या बाजार रहा सर? ये 32 बता रहे हैं, 32 रुपए का दे, यही बिका 30-31 बिकना चाहिए, 31 रुपए 32 रुपए के आसपास। और वो जो सामने है सर वो नासिक वाला है ना? नासिक उल्टा ही 27 रुपए दिया भी आपके सामने दिया है, 10 कट्टे लाड था। बहुत बढ़िया सर। तो सर क्वालिटी मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया शानदार देखने को मिल रही है, क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है। हाँ माल ठीक ठाक आ रहा है, इतना कुछ आप सुपर भी नहीं बेचते, इतना हल्का भी बेचते, एवरेज माल आ रहा है, ठीक ठाक है। पर जैसे जैसे दिन बीतने लगेंगे सर माल भी सुपर क्वालिटी का निकलेगा सर। हाँ जी जी। सर आज नासिक की बात करें, टोटल कितनी गाड़ियां? ताजा गाड़ियां 12 से 15 गाड़ियां। 12 से 15 गाड़ियां। और राजस्थान वाली? राजस्थान के मानो आप 80 से 85 साधन है टोटल, ऊपर नीचे मिला के 100 साधन है। 100 साधन है आज? हाँ जी हाँ जी, कोई 7-8 साधन नीचे उतरे होंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो सर नासिक की क्या पोजीशन रही आज? नासिक की पोजीशन ज्यादातर मानोगे तो बढ़िया, सुपर माल तो 32-33 रुपए के, ज्यादातर बिक रहा है 30-31 30-31 के आसपास, ज्यादा लेके 34 रुपए तक का बाजार है ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अपना MP वाला? MP वाला भी यही बिक रहा है 25-30 25-30 कोई सुपर क्वालिटी का 31। बिल्कुल बिल्कुल। और राजस्थान वाले माल? राजस्थान सेम पोजीशन चलती है 25-30 रुपए के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कोई डॉलर आ जाए तो कोई सोम मासा को बिक जाए तो कुछ कह नहीं सकते, ऊपर 1-2 रुपए। बिल्कुल। ज्यादातर बाजार ये 25-30 का। इसका देसी प्याज का क्या बाजार रहा सर? देसी का बाजार है 22 रुपए से लेकर 28 रुपए तक, 22 से 28 का बाजार रहा। ग्राहकी कैसी चली सर? ग्राहकी आप दिखाओ ना जी, एक पिकअप बिकी है मेरे पास, तो एक पिकअप बिकी है पर माल ज्यादा है। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में एक पिकअप बिकी है, ये खड़ी है, ये गाड़ी आई हुई नासिक, इसमें बिल्कुल 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 ग्राहकी नजर ही नहीं आ रही है सर, बिल्कुल माल ज्यादा नजर आ रहा है। तो सर ग्राहकी कब खुलने वाली है? ग्राहकी जब तक मौसम ठंडा नहीं होगा, 2-4 बरसात नहीं होगी, मौसम में ठंडक नहीं आएगी जब तक बिक्री नहीं। आप देखो ना बुरा हाल है, बैठने में परेशानी, बहुत उमस है, गर्मी है बहुत ज्यादा है, पसीने आ जाते हैं। गर्मी की उमस जो निकल रही है, भपका निकल रहा है। बिल्कुल। मैं तो वीडियो बनाता हूँ उधर, सब्जी वेजिटेबल फ्रूट की हालत खराब हो जाती है मेरी। आपकी तो मैं हिम्मत मानता हूँ कि आप पूरी मंडी, इतनी बड़ी मंडी में घूम के एक एक चीज आप रिपोर्ट, और फिर भी कुछ लोगों के कमेंट हैं कुछ कि भैया ये नहीं बताते वो नहीं करते, मतलब गलत बताते हो भैया। ये तो वही बात है, पब्लिक है कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन जो आप अपने जमीनी स्तर पे काम कर रहे हो कोई कोई आदमी कर सकता है। बिल्कुल। इतनी गर्मी में आप ये लगा लो 10-12 किलोमीटर का
घूमना फिरना, आदमी से रिपोर्टें लेना, बिल्कुल बिल्कुल, और किसानों तक पहुँचाना, ये काम है हर किसी वस्त होना है सर, वो तो करना है अपना काम है, किसान है हम, किसान सेवा कर रहे हैं। जो हमारा कर्म हम बता रहे हैं, कोई अगला रिपोर्ट दे रहे हैं, सब कुछ बाल आ रहा है बता रहे हैं, एक्चुअल रिपोर्ट जो है मंडी के अंदर बिक्री है नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, आगे क्या पोजीशन होनी है, घर बैठे भाव मिल रहा है सर। हाँ जी, किसान को अगर आज मान लो माल उसको पता है कि आज 33 रुपए बिक रहा है, तो अगर उसको विचार है बेचना है नहीं बेचना, वो देख सकता है। किसान को क्या है, हमारे देश का किसान जो है ये थोड़ा लालची है, अगर 2 रुपए बढ़ जाता है तो ये रोक देते हैं। अच्छा जी, और 2 रुपए टूट जाए तो मंडी भर देते हैं, मंडी भर देते हैं, ये नहीं हम यही बताते हैं, किसान को 2 रुपए मिलेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, बिल्कुल, किसान को 2 रुपए फायदा होगा तो मार्केट में पहुंचे पैसा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन किसान को अपना थोड़ा थोड़ा करके माल निकालते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके निकालते अपने छाते में लाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाजार आज जो बाजार है कल को नहीं है, बिल्कुल कल है वो परसों नहीं है, बिल्कुल, तो बाजार माल को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहना चाहिए, बहुत हर भाव मिलेंगे उसको, 20 के मिलेंगे, 25 के मिलेंगे, 30 के मिलेंगे, आने वाले समय में तो तेजी हो तो तेजी के मिलेंगे, अगर एक एवरेज लगाएगा तो उसको अच्छा भाव मिलेगा, अच्छा भाव मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन कोई भी चीज है आप अपने छाती के लगा लेते हो भाई मैं तो इस भाव में बेचूंगा, बाई चांस कल को बाजार नई फसल जो आनी है, आनी है अपने आने वाले समय में और भी आनी है, तो ज्यादा प्रेशर आ गया तो फिर बाजार रिवर्स होते हैं, बिल्कुल, तो हमें भी दुख होता है यार, 40 वाले माल बाजार ये 25 पे आ गए, बिल्कुल, तो इसमें किसान को एक धोखा दे जाता है, किसान को थोड़ा थोड़ा करके वक्त के हिसाब से अपना माल निकालते रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तो सर अपना मोबाइल नंबर, फर्म का नाम? मैं मोबाइल नंबर 870-88-71-652, नाम नरेंद्र वैद्य फूड एंड कंपनी, A6 मोहना जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर आपका। ओके सर, आपका भी।